लोकल पानी बेचना अलाउ है, लोकल पानी बेचना अलाउ है, 20 का बेचना अलाउ है, लोकल पानी बेच सकती है। क्या कंडीशन है चावल का? बंद करिएगा, बहुत ज्यादा चलो, चढ़िए चढ़िए चढ़िए, और चढ़ गए, डर गए भैया, भैया डर गए। धुआं ढकार आवे, मुझे है भूख, धुआं ढकार, आराम से भाई, आराम से, आराम ऐसे करो। तो ये अपनी दीदी लोग आ चुके हैं अपनी बूनी के। गाइस गुड मॉर्निंग, तो आज है 21 नवंबर, अभी हम हैं राजगीर में और आज यहाँ से चलनी थी एक नई ट्रेन, लेकिन बिहार वालों के पेट पे लात मार दी इंडियन रेलवे ने ये पुरानी ट्रेन को रिप्लेस करके। इनको बोला गया था कि 21 नवंबर को इनको मिलेगी नई ट्रेन, मतलब कि नए रैक्स मिलेंगे LHB के श्रमजीवी को, लेकिन श्रमजीवी को दिए यहाँ पे पुराने रैक्स। और सारे के सारे जो रेल फैंस आए हैं सारे डिसअपॉइंटेड हो गया, हम भी इतनी दूर से आए थे कवर करने के लिए और जब देखा तो देखो 2015 के रैक्स दिए हैं और नोटिस जारी किया कि नए रैक्स मिलेंगे। फिलहाल ट्रेन हमारी 12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस जो कि राजगीर से नई दिल्ली के बीच में चलती है। अगर टाइमिंग की बात करें तो 8:05 पे ये राजगीर से खुल जाती है 1102 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे दिन सुबह 4:40 पर आपको नई दिल्ली पहुंचाती है। तो चलिए पुरानी ट्रेन में ही करते हैं यात्रा। बट ये जो लोग बैठ रहे हैं बीच में, इनके लिए ये नई ट्रेन है भाई, देखिए इन सभी के लिए ये नई ट्रेन है। भैया बैठे हैं, भैया आपको क्या लगा था नई ट्रेन है ना? तो क्या मतलब लगा आपको कि ये नई ट्रेन दिख रही है आपको किसी एंगल से? हाँ तो भाई देखो सिर्फ नाम की नई ट्रेन है ये, तो इंडियन रेलवे से ये उम्मीद नहीं थी। जो नई मतलब एक रैक्स थे वो इन्होंने दे दिए गंगा दामोदर को, तो इसकी जगह पे ये पुराने कोच दे दिए। चलिए क्या करें, अब जर्नी तो इसी में करने वाली है, जर्नी हमारी जनरल में होने वाली है यहाँ से लेके पटना तक, एंड देन हम स्लीपर में बोर्ड कर जाएंगे। बाकी ये सारे भाई लोग अपने अपने फैमिली के मेंबर सब खड़े हैं यहाँ पे, एंड ये अजीत भाई और गणेश भाई कहाँ गया भाई? बस बस आ रहे हैं। अबे गणेश, अबे गणेश भाई तो गुम हो गए। गुड मॉर्निंग मेरे रेल फैन, तो आज राजगीर से, और गणेश भाई अपना शादी छोड़ के आए थे इसको कवर करने के लिए, और गणेश भाई को लगा था इसको फूलों से सजाया जाएगा, लेकिन गणेश भाई के पेट पे लात मार दी गणेश भाई का कि ये हालत है हमारी ट्रेन के स्लीपर क्लास की। तो देखिए नए कोच मिलने थे और ये कैसे कोच मिल गए भाई श्रमजीवी को। बाकी ये लगा ट्रेन के साथ लोकोमोटिव जो कि वैप 7 कैश समस्तीपुर शेड का। तो देखिए दोस्तों 8:03 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन रेडी हो चुकी है निकलने को, राइट टाइम पे डिपार्चर। जय हिंद सर। देखे हमारे हीरो ट्रेन को खिंचाते हुए। साइड में दम भर, देखे भीड़ भड़का, हम तो साइड में दम है, ट्रेन में भीड़ भड़का देखो। ऐसे करो, तो ये अपनी दीदी लोग आ चुके हैं अपनी बूनी करने के लिए, इन्हीं का आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद नहीं दो, ठीक है। तो अभी लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई लोगों को कैसा लग रहा है, लोगों को कैसा फील हो रहा है। बाकी ये चाचा अपने तो नई ट्रेन है, नए कोच है, कैसा लग रहा है आपको? नए कोच है ये, चलो नया कोच है ये, नया ये भाई के लिए नया कोच है क्योंकि भाई पहली बार बैठा, सारे नया है ना। तो देखिए इधर भी नीचे फैमिली बैठी है पूरी, नया कोच है ना, नया नया कोच है। हाँ तो ये देखिए बोले वाले लोग हैं बिहार के, लेकिन एक बात है जो बिहार के लोग हैं इस कोच में बड़ा खुश हैं। हाँ उन्हें बड़ी संतुष्टि मिली कि चलो कुछ रैक चेंज हो गया। हाँ, खुश हो ये भैया, देख रहे हैं खुश हो आप, खुश हो आप, आप खुश हो, तो सभी लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश हैं। बाकी ट्रेन अपनी अभी पहले हॉल्ट में नहीं पहुंची और भाई लोग पूरे मतलब पैक हो चुकी है पूरी ट्रेन, देखिए इधर भी पूरी ट्रेन पैक हो चुकी है, भाई लोग गेट की सवारी करना शुरू कर चुके हैं, एंड इधर भी देखो ट्रेन पूरी पैक हो चुकी है, जो लगेज स्पेस है वहाँ पे बोझे वगैरह लद चुके हैं, इधर भी बोझे वगैरह लद चुके हैं, भाई काफ़ी खुश है नई ट्रेन नई रैक्स को देख के। चलो एंड इधर भी देखो बोझे वगैरह हो चुके हैं पूरे, भाई इधर भी पूरी पैक हो चुकी है ट्रेन,
ये भाई लोग अपने सफर कर रहे हैं नई ट्रेन में, पहले दिन में ही खुशी है सबके चेहरे पे। अभी ट्रेन चला भी नहीं और भाई लोग देखिए गेट की सवारी करना शुरू कर चुके हैं। भाई कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया लग रहा है भैया। हाँ तो भैया को बढ़िया लग रहा है आपने? हाँ सीट मिला है नहीं तो क्या करूँ। हाँ तो भाई बढ़िया भाई, पहले लड्डू वड्डू खिलाया नहीं रेलवे ने आपको? नहीं खिलाया भैया। हाँ तो पहला हॉल्ट देखिए और यहाँ से पूरा ट्रेन पैक होने वाला है। और गणेश भाई अपने बहुत ही मुस्कुराहट के साथ नए कोच में वीडियो बनाते हुए। हाँ भाई कोच तो नया ही है फिर भी। हाँ, नया तो है। थोड़ा रंग उतर गया है थोड़ा। हाँ, देखिए हमारी ट्रेन को लगाया गया जड़ी में। देखिए नालंदा पहुंच गए हैं और सारे रेल फैन कवर कर रहे हैं और मैं गिरने वाला था लिटरली। बाकी NLD इसका स्टेशन कोड है और यहाँ पे देखिए पैसेंजर्स कैसे चढ़ रहे हैं। बाकी यहाँ पे एक विश्वविद्यालय है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रैंक है, तो आसपास के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे। और भाइयों का उत्साह देखो, भाई लोग ब्लॉगिंग करते हुए जंगल में देखिए। चलिए चलिए कुछ लोग स्टूडेंट उतर रहे हैं कॉलेज जाने के लिए यहाँ पे। खोया मिल जाएगा? दिलकुट है खोया। बिहार शरीफ देखिए, बिहार शरीफ से जो भीड़ भाड़ चढ़ने वाली है हमारी श्रमजीवी एक्सप्रेस में नई ट्रेन है। देखिए भाई इतनी ट्रेन के डब्बे नहीं है जितनी भीड़ है यहाँ। ओ भाई साहब पूरा गाड़ी यहाँ पैक हो जाएगा लगता है। भाई देखो आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ओ भाई आराम से यार। ए राहुल, राजगीर से 24 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी श्रमजीवी ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने दूसरे हॉल्ट पे जो अपना बिहार शरीफ VHS स्टेशन कोड है। और 2 मिनट का हॉल्ट है हमारी श्रमजीवी का बिहार शरीफ पे। बाकी भाई यात्रियों ने इतना भगदड़ी की क्या ही बताएं। बाकी जो इसकी कोच कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें भी रैक्स कम किए गए हैं। पहले ये चलती थी 24 रैक्स के साथ जब ये ICF हुआ करती, लेकिन अभी LHB हुई है तो ये 22 रैक्स के साथ चल रही है। AC के 2 कोच बढ़ा दिए गए हैं और स्लीपर के कितने 4 कम कर दिए। स्लीपर के पहले 10 थे अब 6 कर दिए। देखिए भाई लोग क्या कहना चाहोगे जो बढ़ा दिए। क्या बताया जाए भाई, रोस्ट एक्सपीरियंस हो गया यार। ना ही डेकोरेट किया गया है, कोई डेकोरेट नहीं है। देखिए ये आम जनता ये कैसे सफर करेगी AC में कुछ समझ नहीं आ रही है। डिपार्चर हमारी ट्रेन का बिहार शरीफ से और जनरल में हालत है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है। पूरा यात्री है जो खड़े हो चुके हैं पीछे। भाई लोग जा रहे हैं शायद एग्ज़ाम देने के लिए भाई लोग जा रहे हैं। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई गेट पे खड़े हो जाते हैं जानबूझकर, तो मेरी रिक्वेस्ट है महासज्जनों से जो ये बोलते हैं एक बार जनरल में यात्रा करके दिखाए, वो भी एंड टू एंड। ये नहीं कि एक स्टेशन पे चढ़े और अगले स्टेशन में बहाना मार दिया कुछ और उतर गए। क्यों भाई, सभी AC में यात्रा कर सकते हो, सभी फर्स्ट AC में जा सकते हो, नहीं जा सकते ना तो भाई सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। ये बिहार क्या खूबसूरत है और राजगीर एक मतलब खूबसूरत जगहों में से एक टूरिस्ट प्लेस है राजगीर। यहाँ पे आपको एक लेक मिल जाएगी, ग्लास ब्रिज मिल जाएगा, जंगल सफारी वगैरह ये सब एक्टिविटीज़ आप राजगीर में आके कर सकते हो। और राजगीर के लिए ये ट्रेन तो चलाई बट राजगीर के लिए नई ट्रेन नहीं चलाई। जो भी ट्रेन है वो भाग रही है 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 95, 96, 97 8:56 हो रहे हैं और राजगीर से 43 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी श्रमजीवी ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है मुख्यमंत्री है जो बिहार का नीतीश कुमार जी, उनके होम टाउन हरनौत में। HRT का स्टेशन कोड है और गाड़ी अपनी 4 मिनट लेट आई है हरनौत। 2 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का हरनौत पे, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है हमारी ट्रेन। तो देखते हैं डिपार्चर हरनौत से
देखिए हरनौत में चढ़ाया जा रहा है साइकिल, ये लगेज में इतनी ज्यादा भीड़। रो रही है श्रम जी भी। बख्तियारपुर जंक्शन और राजगीर से 53 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने बख्तियारपुर जंक्शन में। BKP इसका स्टेशन कोड है और 2 मिनट का हॉल्ट है हमारी श्रमजीवी का बख्तियारपुर जंक्शन पे। बाकी ट्रेन हमारी हर बार आउटर पे। हाँ, और बख्तियारपुर में आपको केला काफी सस्ता मिल जाएगा, 20 रुपए दर्जन के अलावा। और मुझे नहीं लगता कोई पैसेंजर अब छोड़ेगा केला लेना। ये दिखाओ आप लोग, अंदर जाओ। बाकी फतुहा जंक्शन में पहुंच चुके हैं, फ्यूट स्टेशन कोड है इसका। और ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है इस्लामपुर को और एक जाती है अपनी पटना साहिब वाली। तो अभी अपनी ट्रेन जाएगी पटना साहिब वाले रूट पे और ट्रेन में खड़ा रहने के लिए जगह ही नहीं बची है भाई। ट्रेन रिवर्स जा रही है अभी। और भाई अंदर देखो, नरक से भी बुरा हाल हो चुका है ट्रेनों का। देखो गणेश भाई, अंदर नरक से भी बुरा हाल है। और देखिए लगेज बैन का भाई, भीड़ भड़के में यात्रा, ऐसा भीड़ भड़का जिंदगी में ना देखा हो। बहुत भीड़ भड़का, अंदर देखो पांव रखने की जगह नहीं है और कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं। बातें क्यों गणेश भाई? एकदम उन लोगों को बोलिए एक बार इस गाड़ी में सफर करके दिखाए राजगीर से नई दिल्ली तक। AC में तो हनीमून बना ले भी चले जाते हैं। हार के उतर जाओगे। तो पहुंचने वाली अपनी ट्रेन भाई पटना जंक्शन पे। देखिए पटना जंक्शन और दांडी मार्च हो रहा है ट्रैक पे, साइड पे देखिए लोकल गाड़ी आई है। लेट्स सी, 99 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी श्रमजीवी ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने 10वें हॉल्ट पे, जो अपना बिहार की राजधानी पटना जंक्शन। बाकी गया और उत्तर पूर्व जाने के लिए गाड़ी यहां से आप बदल सकते हो। एंड चलिए चलते हैं आगे। बाकी गाड़ी की चैन पुलिंग कर दी थी यहां पे, देखिए ट्रेन को मतलब घुसने भी नहीं दिया। आधी ट्रेन आई थी, सिर्फ टच किया था और यहाँ पे चैन पुलिंग हो गई थी, पीछे वाले लोगों ने चैन पुलिंग कर दी। बाकी 10:24 पे आई है अपनी गाड़ी श्रमजीवी और 10:20 पे टाइम था, 5 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का पटना जंक्शन पे। बाकी चैन पुलिंग की भाई मानना पड़ेगा भाई यहाँ के लोगों को। देखिए देखिए, बाकी पटना में हालत देख ही ले सकते हो आप कितने ज्यादा भाई यात्री ऑनबोर्ड कर रहे हैं पटना जंक्शन से। और गणेश भाई भी चलेंगे अभी हमारे साथ। हम भी जाएंगे। हाँ भाई चले। देते हैं गणेश भाई को अब इजाजत। गणेश भाई जा रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए, जो ये छोड़ के आए थे। बाकी अच्छा लगा गणेश भाई के साथ जर्नी करके। अभी हम चले जाएंगे यहाँ से दिल्ली और गणेश भाई यहाँ से चले जाएंगे बेगूसराय। हाँ नानी घर चले जाएंगे गणेश भाई। तो चलिए अच्छा लगा, बाकी मिलते रहेंगे जर्नी में। अभी देखते हैं डिपार्चर। बट ओ भाई भाई यहाँ से बाय भाई पटना तक का है। और भाई अंदर आ जाओ, अंदर बहुत भीड़। बाकी स्लीपर की हालत देख रहे हो भाई, पूरा भर चुका है अपना स्लीपर। एंड इसमें सीट भी है हमारी अब स्लीपर से, क्योंकि पीछे से तो हम आगे से जनरल में, एंड अभी हम यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे स्लीपर में। सीट हमारी पीछे, अभी देखते हैं सीट का क्या हालत है। जर्नी जो हमारी होने वाली है वो RAC में होने वाली है।
क्या? रेल लीर ले आओ, ठीक है? ठीक है भैया, ले आओगे ना, वरना पैंट्री में स्वागत करेंगे अभी हम। देखिए आ चुके हैं हम, आ रहा दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम लोग आरा जंक्शन। बाकी आरा पे हमने सोचा स्टेशन को कवर कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको ट्रेन में भीड़ देखते हुए लगता है कि हम आरा को कवर कर पाएंगे? देखिए बोतल वाले, बिस्लरी वाले, कुछ भी हो, सब इसमें मतलब चढ़ने उतरने में लगे हुए हैं। तो चले हैं, बाहर चलते हैं, आरा को कवर करते हैं। अबे आराम से, आराम से, आराम से, ओ भाई आराम से, चलो आराम से, आराम से, आराम से, प्यार से जुड़ो, प्यार से जुड़ो, प्यार से भाई। तो दोस्तों राजगीर से 148 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी राजगीर न्यू दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने 14th हॉल्ट पे, जो अपना आरा जंक्शन ARA स्टेशन कोड है। और 2 मिनट का हॉल्ट है हमारी ट्रेन का आरा जंक्शन पे। देखिए दूध देना, एक पेस्ट्री दे देना, कितना हुआ? एक लिया हमने दूध और एक लिया ये पेस्ट्री। आरा अपना जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी सासाराम को जाती है। बाकी ये पेस्ट्री वगैरह ली है क्योंकि भाई सुबह से भूखे मर गए हम, कुछ भी नहीं खाया सुबह से हमने, इस ट्रेन के चक्कर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कुछ नहीं खाया। बाकी ये मूल दूध लिया और एक ये पेस्ट्री लिया आरा से। बाकी देखिए आरा से डिपार्ट, ओ भाई। बाकी खाने भी नहीं दिया इन्होंने हमें। आरा जंक्शन हमें वन की देवी, अरण्य देवी है तो इसलिए इसका नाम आरा पड़ गया। एंड खा रहे हैं अभी हम, चलती ट्रेन में कुछ खाना पीना हो तो भाई ऐसे ही खाना पड़ता है इतनी भीड़ में। क्या चाहिए आपको? सर यही चाहिए। ये नहीं खाने पीना है तो बोले खाना पीना भी खिलाते हैं। दे 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 दीजिए सर। सीट कौन सी है? सीट कौन सी है? सीट नंबर बताइए भाई। सीट कौन सा नंबर बताइए? सीट नंबर बताइए। इतने कोई आप ले आए, एक बैग और ला रहे हैं। आप डाक खर्चा निकालिए, फ्री में दिया जाएगा आपको, डाक खर्चा दीजिए 10। बाबा जी जन्म मरण का रोग मिटेगा आपके खानदान से 101 पीढ़ियां। ओ भाई जन्म मरण का वो 101 पीढ़ियां तारी जाएगी, आपके खानदान में कोई रोगी नहीं रह जाएगा, रोग मुक्त होगा। चुप रहो, पहले सुनो, नहीं होगा। कसक बना के मांगो, गरज है तो लो, नहीं अपना काम करो। नहीं नहीं बाबा जी, सॉरी 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 बाबा, हम विक्रेता नहीं है, सिफारिश करने वाले नहीं, हम सेवक प्रचारक हैं। दिखाइए बुक, हम आगे बढ़ेंगे। दिखाइए, डाक खर्चा दीजिए, भूख है तो, गरज है तो, दुआएं ढकार आवे, मुझे है भूख, दुआएं ढकार है तो लेना, कोई जरूरी नहीं। भूखी आत्मा मांगेगी, तड़पती मांगेगी, कसक के साथ मांगेगी ज्ञान गंगा। विकार आ गया तो लेना जरूरी है क्या? जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म है ना कोई न्यारा। भूले भटके जीव को निज घर दे चौपाय, अजीवन पद पर दर्शक मिले सत्य पथ देहु लखाय। वाह वाह वाह, क्लैपिंग 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 भाई, इतने ताकत है ना बाबा में, 80 साल से प्लस है लेकिन ताकत देखो उनमें। चैनून बेचा करो ना यार, क्या जरूरत है, जो पब्लिक लेगा वही ना देंगे। तो ये मिट्टी ले लेते हैं, लेता है तभी तो बेच रहे हैं। पावर बैंक के अंदर मिट्टी रहता है जो कि आपको 200 रुपए पड़ेंगे। मिट्टी क्या यहाँ से उठा दो और डब्बे में बंद कर दो। हुआ क्या ना, उस बंदे को दिल्ली से घसीट के मुरादाबाद भाई पानी दे दो। पानी क्यों आप ही कह रहे हो, मतलब एसी एसी में जा रहा है, स्लीपर में नहीं भाई। पानी पैसे इसके कितने लेगा, लोकल पानी है यार भाई जी, ये लोकल पानी मत बेचा करो यार। हाँ हाँ
नहीं नहीं, ये कितने की बोतल है? 20 रुपए की, 15 की बोतल आती है। पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन कोड है DU। ट्रेन है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे आई थी, 16 मिनट लेट और 10 मिनट का हॉल्ट है। 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन था अपना दीनदयाल उपाध्याय, और 6 नंबर पे लगी थी हमारी गाड़ी श्रमजीवी एक्सप्रेस। पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख है वो काफी ज्यादा लगी है, भूख लगी है। सुबह से 6 बजे से मेहनत में लगे हैं, हाँ, खाने पीने का कुछ और भाई भूख लगी है। ऋषि भाई ने भी कुछ नहीं खाया है भाई। भाई बता दो इन सभी को कि पेंट्री कार में लंच नहीं मिलता है। हाँ, तो पेंट्री वालों को पता चल गया है कि कोई आ रहा है अभी। बंदों ने बता दिया है जो चमचे हैं पेंट्री कार के, जो वीडियो बनाते हैं हमारे खिलाफ। यहाँ से खाएंगे अभी भैया की दुकान से हम। अच्छा भाई, अच्छा कैसा है? ले रहे हैं ब्रेड ऑमलेट, देखिए 3 ब्रेड ऑमलेट ले लिए हमने। हर्ष भाई ने भी खाए समोसे, कैसे लगे भाई? समोसा काफी बढ़िया, मतलब स्टफिंग किया गया, हाँ। तो मैंने तो ट्राई किए नहीं, मैंने पेंट्री में किए थे। अभी पेंट्री वाले लोकल पानी बेच रहे हैं, साथ में खाना भी लोकल बेच रहे हैं ना। चलो रात को करते हैं इनसे हिसाब किताब, मांगते हैं रात को, है ना। अभी प्राइस 20-20 ही दे रहे हैं बोतल का, रात को देखते हैं। अभी लगती है ना, जब भूख लगती है तो ये नहीं देखता कि कैसा खाना है। ये लोकल वादी, ये देखो ये लोकल पानी का खजाना मिल गया। एक सेकंड, सारी बात सारी बात, छोटे भाई लोग हैं भाई, ये लोकल सिटी से वाले हैं, कुछ बाहर के हैं, कुछ सब कंपनी लोकल बानी। ये खजाना मिल गया बाबू। चलो चलो, एंट्री में हां बताइए सब ना। हां अरे नहीं, कुछ मजाक कर रहे थे हम लोग, प्रैंक कर रहे थे भाई। डर गए भैया डर गए। पानी बोतल भोरी में पानी दे दो भैया, पानी भोरी में पानी बोतल। ओ अब आया भाई, रियली हो हो हो, लव यू मारेल नीर, ओ हो हो हो, वाह वाह रियल नीर आ गया भाई। अंकल जी थैंक यू, बहुत बड़ी अंकल जी थैंक यू, रियल नीर आया। समुद्र खत्म हो सकते हैं, रियल नीर खत्म नहीं हो सकता कभी। हां क्या, अच्छा ट्रेन में हम कहां में, कहां घर आपके? अरे छोका हुआ है, अभी बाद में देखेंगे। देखो भाई इधर हमारी ट्रेन पता नहीं किस कारण से फंसी थी, आई थिंक सिग्नल नहीं मिल रहा था हमारी गाड़ी को। देखिए भाई बाहर जो मेला लगा हुआ है, देखिए भाई बाहर दहशत देखो भाई लोगों की। तब बोलता हूँ वो खड़ी है चोर, ओए गंगा घाट। और देखते ही देखते आज हुआ है काशी जंक्शन। गुड इवनिंग मेरे रेल फैन, जाने वाले हैं सारे अपने भाई अलविदा बोलने वाले हैं, और हम कहां उतर जाएंगे कुछ पता नहीं हमारा। तो दोस्तों अभी माई ट्रेन पहुंच चुकी है बनारस के वाराणसी पे, एंड BSB का स्टेशन कोड है, हाँ BSB का स्टेशन कोड है, और 2 घंटे और 35 मिनट लेट आई है, 3 बजे के आसपास टाइम था इस ट्रेन का यहाँ पे। लेकिन भाई देखिए, ओ चाचा क्या चाहिए, चलो 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 चाचा चलो, चढ़िए चढ़िए चढ़िए, ओ चढ़िए 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 मेरे प्यारे रेल फैन। ओ भाई चल गए भाई, टाइम देख सकते हो अंदर, हाँ अंदर। वह देखिए 5:28 पे निकल रही है, 3 बजे कुछ मिनट पे टाइम था निकलने का भाई इसका।
बाकी वाराणसी से अगर लाइनों की बात करें तो जौनपुर, जंघई और प्रयागराज जैसी बड़ी बड़ी लाइनें यहाँ से डाइवर्ट होती हैं। पीछे से आपको पता ही है डीडीयू मुगलसराय वाली लाइन है। देखो भाई अभी इसमें रश थोड़ा कम हुआ है और हालत देखो भाई ट्रेन की कितनी खस्ता हालत हो चुकी है। बाकी लोग गेट पे बैठ के जा रहे हैं, कुछ लोग बच्चों के साथ यहाँ पे सीवीसी पे सेंटर बफर कपलिंग पे बैठ के जा रहे हैं। इसका रीज़न केवल एक ही है कि इन्होंने क्या किया कि स्लीपर के जो चार कोच है वो कम कर दिए हैं और एसी के दो कोच बढ़ा दिए हैं। भाई ऐसे थोड़ा ना चलता है, हर एक बंदा एसी अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे ये बेचारे लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते तो अब इनको सीट नहीं मिली या क्या नहीं मिली, मतलब कुछ पता नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पे बैठ के जा रहे हैं। बाकी आगे बंदे देख लो भैया। तो अभी अपन कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं 139 पे। ये देखो भाई इंसान है या जानवर है, देखो ये देखिए अपना LHB कोच है और हर्ष भाई जो हमारा चार्जिंग सॉकेट है ये पूरी तरह से देखिए कैसा हो चुका है, ये चल नहीं रही, इसमें करंट ही नहीं पास आ रहा। मतलब ये नया दिन है ना, ये नया दिन है, पहला रन है और पहले रन में चार्जिंग ही नहीं चल रहे हैं क्योंकि भाई ये पुराना कोच है ना। हां तो ये पुराना हां वेजिटेरियन है। अब ये वेज थाली कर दो, वेज में सर फुल लिख दो। वेज में है मिक्स सब्जी आलू छोला का, ठीक है, चावल है, दाल है, परोठा है। कितने का मिलेगा? 100 रुपए प्लेट है वेज। हां अंडा वाला 120 का, डबल अंडा करी मिक्स सब्जी आलू छोला का चावल परोठा। आप अंडा ठीक है, अंडा हां ठीक है, तीन अंडा आप खाली वेज। तो भाई अभी ले लिया हमने बिरयानी जो कि हमें 90 रुपए की पड़ी है। कार्ड भी मिलता है लेकिन कार्ड नहीं है। टेस्ट की बात करें भाई सही है एंड प्राइस भी सही लगाया है। लास्ट रेट बोल दो फिर भी कुछ नहीं भैया, 5 रुपए कम कर लो यार प्लीज भैया, 5 रुपए कम कर लो बस। हमारे घर का भैया नहीं नहीं हर्ष भैया मैं बोल रहा हूँ 5 ही कम कुछ 4 रुपया डिस्काउंट कर देते, 2-2 रुपया सुबह चाय पिला देंगे। हमारा टोटल बनना था 90-90 का अंडा थाली था जो कि हमने 3 लिया। अब देखो भाई क्या ना इंसाफी है यार, 450 रुपए भाई वो कम नहीं होता है। अब बोलना जरूरी है कि नहीं है यहाँ? अरे बिल्कुल बोलना जरूरी है यार, मतलब ये भैया लोग भी लिए हैं, बताइए। ये देखिए आपको कितने कितने का दिया सबको? अरे आगे आगे लिया। हाँ आगे लिया खाना, तो अभी टेस्ट वेस्ट बता देते हैं। बाकी ये दिए हैं 2 पराठे, तो ये क्या है भाई? अंडा। अंडा और ये है सब्जी। तो चलो भाई क्वालिटी बता देते हैं आपको, कैसी क्वालिटी है क्वांटिटी। तो ये करते हैं ट्राई अपनी परौंठी पराठी। लो भाई ये क्या है, आलू की सब्जी। कैसा होगा? अच्छा होगा, बढ़िया है ना, देखने में कैसा लग रहा है? ए भाई अच्छा भैया आपको देखने में कैसा लग रहा है? अच्छा है ना। बाकी टेस्ट की बात करें तो टेस्ट भी अच्छा ही है, बुराई नहीं करूंगा, जो चीज सही है सही। चावल कच्चा है, कच्चा चावल है, नहीं हमारा तो सही है ना, कच्चा है, कच्चा है। देख रहे हो ना किस तरीके से चावल दिया जा रहा है श्रमजीवी एक्सप्रेस। ये देखिए जैसे गधे को चारा डालना हो वैसे चावल है। देखा है यार फिर लोकल पानी लेके आ गए भाई, ऐसा मत किया करो, 20 रुपए का। देखिए सब लोकल पानी भाई। अभी बताइए आपको क्या हो गया हमारे साथ, एक तो चावल कच्चे थे, ऊपर से दही वही कुछ नहीं मिला, पहले बिरयानी ली वो भी दही नहीं मिला, और ऊपर से भाई हमारे से एक्स्ट्रा पैसे लिए 460 रुपये और हमें खाना ओवर प्राइस दिया। तो अभी मैनेजर को पूछते हैं जाके क्या कंडीशन है, चावल आप कर सुबह से आप लोग को देख रहे हैं।
रहे हो। सुन सुन भाई एक सेकंड, गलती आप ही कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं? लोकल पानी बेचना अलाउ है, लोकल पानी बेचना अलाउ है, 20 का बेचना अलाउ है, लोकल पानी बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते हैं, लोकल पानी बिल लो आगे बेच दे। कैसे चढ़ा साला 15 का रेलवे का पानी है, आप 20 का बेच दो। अभी कौन आया कमलेश खाना कहियो? हमारे जैसा बर्तन पहले बाहर से खाना ले रहा है, आदि कर रहा है, उसके लिए आके बोले हम हर चीज के लिए बोलेंगे। लोकल पानी चढ़ा, लोकल पानी हम दो बोतल लिए, 40 रुपए पैक किए हैं, अभी भी नहीं आएगा। पुलिस वाले आ गए हैं, पुलिस वालों को हम लोकल पानी दिखाने के लिए जा रहे हैं। बात पुलिस तक पहुंच गई है, अभी पुलिस को दिखाते हैं हम लोकल पानी। ठीक है, ये देखो भाई लोकल पानी इधर जा रहा है। हेलो, हम ना पैसेंजर को पूछवा सकते हैं कि चावल कच्चे हैं कि नहीं है। आओ पैसेंजर को पूछते हैं, हम झूठ बोल रहे हैं ना, हम झूठ बोल रहे हैं, पैसेंजर को पूछो, पैसेंजर को पूछ लेते हैं। पूरा खाना बात देगा, अगर पूछेंगे तो नहीं रहेगा, लोगों को पूछे, बाकी आप पब्लिक से कच्चे चावल नहीं है। खाने के साथ दही नहीं दिया जा रहा है, सब मिसिंग है, जो कि IRCTC का मेन्यू कार्ड में हर चीज ऐड है। किसकी फॉल्ट है सर? किसकी फॉल्ट है सर? नहीं मेरी फॉल्ट। तो प्राइस आप बुरा ले रहे हो, प्राइस आप ओवर ले रहे हो, 40 रुपए आपका पराठा, 40 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो आप, 40 रुपए एक्स्ट्रा। पराठा आपका बहुत छोटा था, मतलब पर ट्वीट करेंगे, बाकी अभी पुलिस द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। स्टेशन हमें सर रेल नहीं चाहिए, ऊपर से हमने इनको बोला कि खाना आप ओवर प्राइस ले रहे हो, 80 रुपए खाने का प्राइस है, आप 120 ले रहे हो। हाँ, और 80 रुपए खाने का प्राइस है, ये हमें 120 रुपए का दे रहे हैं, और क्या बोलते हैं कि सुबह चाय नाश्ता पिला देंगे आपको, आप टेंशन मत लो, चाय पिला देंगे आपको मलाई, और जो वेज थाली है उसका प्राइस है 80 रुपए, और ये दे रहे हैं उसको 100 रुपए में, 100 रुपए में, और जो अंडा थाली है उसका प्राइस है 90 रुपए IRCTC का, लेकिन ये दे रहे हैं 120 में। आप दारू पीने पिए हुए हैं? से रहे हैं, उससे आपको क्या लेना है? बोल रहे ना, आराम से जाइए, नीचे आवाज में करिए, उंगली मत दिखाइए भैया, हम इनसे बात कर रहे हैं ना, आईडी कार्ड में नाम चेक कर, और इन्हें कोई भी स्टाफ साफ सफाई करने के लिए नहीं आया है। ये आवाज उठाइए, तो देखिए भाई सुबह से 10:01 पे सफाई हुई है, वो भी टीटी को बोलने के बाद सफाई की है इन्होंने, एंड सफाई बेहतर कर दिया, वॉश बेसन देख सकते हो क्लीन कर दिया, एंड काफी बदतमीजी से एक बंदा था मिथिलेश करके, मिथिलेश सिंह करके, काफी बदतमीजी से बात किया, ऊपर से शराब पिया हुआ था और हमें धमकी दे रहा था भाई। सो पहुंच रहे हैं अभी हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, 2:17 लेट, वो लिखवाओ शराब ये लिख सकते हो, लड़ने पे तुला, उसका नाम क्या है, मिथिलेश करके बंदा, हमने पैसे नहीं, एक मिनट हमने सर पैसा नहीं, वो प्लेन बुक किसके पास होती, गाड़ी का पेंटी मैनेजर के पास भी तो रहती है, टेंट का, उसने शराब पी रखी है, अभी अभी आप चेक कर लो, अभी चल के चेक कर लो, अभी चल, एसी वाला अभी चल के, अभी अभी हॉल्ट है। सो दोस्तों 610 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी श्रमजीवी ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, बाकी LKO इसका स्टेशन कोड है, और यहाँ पे हमारी ट्रेन 2:10 के देरी से चल रही है हमारी श्रमजीवी। मसला क्या हो गया था, जो पुलिस वाला था ना वो अंदर फीडबैक वगैरह लेने के लिए आया था, क्योंकि हमने पता ही है भाई क्या बवाल कर दिया था, जब यार तुम्हारे हक में कुछ नहीं होता ना, जब तुम्हें लूटा जाता तो तुम्हें बोलना ज़रूरी है, और अगर हम नहीं बोलते ना तो ये कभी नहीं सुधरते। बाकी उन्होंने हमें पूछा कि आप मुकदमा दर्ज करना चाहते हो, तो हमने उनको बोला कि हम बिल्कुल भी मुकदमा वगैरह दर्ज कुछ नहीं करना चाहते, बस क्यों एक बंदे की वजह से, जो उनका जो मैनेजर था वो बहुत ही पोलाइट था, उसने अच्छे से बात की एंड उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की कि आज के बाद वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसलिए हमने सोचा चलो यार छोड़ देते हैं। अबे झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है, ठोको ताली ओए चू, तो भाई साले पागल है ये, तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, पागल है ये, जायका इंडिया का बहुत ज्यादा जायका इंडिया का। तो बाकी हमने इसलिए भाई जो कंप्लेन है बाकी वापस ले लिया, एंड जो कोच है देखिए एक कोच साफ सुथरा है, बाकी आगे पीछे सेम है, ओए इधर आना,
सिर्फ हमारा कोई साफ सुथरा है, बाकी आगे पीछे सब ऐसे ही है। दो थोड़ा टाइम लगा पर राइट टाइम आ गया पूरा स्टाफ। हां तो अब ये बंदा आपको बताएगा भाई, बता कि हमारे साथ कैंटीन मैनेजर की पूरी हो गई एक। हां माफी मांग ली आरपीएफ ने भी, हमेशा सपोर्ट किया, मुकदमा दर्ज होने जा रहा था, हमने खैर नहीं किया। कोच अटेंडर साहब, टीटी साहब, कोच स्टाफ जो भी था, एकदम राइट टाइम आ गया, हमारे कोच में आके सफाई कर गया। सबसे और इस बंदे को भाई इतना हमने मजाक कराया, इतना मजाक कराया। तो भाई देखो अभी माई ट्रेन रेडी हो चुकी है लखनऊ से निकलने को। देखिए भाई लखनऊ से डिपार्चर देखिए अपनी गाड़ी का, लखनऊ से। माई ट्रेन 11:10:55 यानी कि 11 बजे खुल गई। प्रयागराज न्यू दिल्ली ओवरटेक, अबे प्रयागराज एक्सप्रेस है। पहुंच गए भाई हम देश की राजधानी नई दिल्ली में। भाई पहुंच चुके हैं हम न्यू दिल्ली में, देश की राजधानी नई दिल्ली में, और 4:40 पे टाइम था लेकिन 7:15 पे पहुंचाया हमारी ट्रेन ने हमें नई दिल्ली पे। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छा लगा हमें जर्नी करके इस ट्रेन में, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई, मतलब ठीक ही हुआ, क्या करना था जल्दी पहुंच के। बाकी आपको ये जर्नी कैसी लगी, फर्स्ट रन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दे। और हमें उम्मीद नहीं थी कि भाई फर्स्ट रन पे ऐसी हमारी ट्रेन चलेगी। हाँ तो भाई बहुत बढ़िया लगा ऋषि भाई, हे मजा आया ऋषि भैया, मजा आया ऋषि भैया, मजा आया जर्नी करके। बाकी करते इस ब्लॉग को यही बैंड, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बता, मिलेगा आपको खूबसूरत ब्लॉग। जय हिंद जय भारत।